नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गर्भवती चैन में। दोस्तों आज मैं आपको नाइटी बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये कॉटन का 3 मीटर का कपड़ा लिया है। इसे मैंने 4 तह में कर रखा है। देखिए यहाँ से डबल है, ये चौड़ाई की तरफ से भी मैंने डबल कर दिया है, फिर एक तह और लगा दिए। देखिए इस तरह से इसकी ये 4 तह हैगी। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। निशान हम उल्टी साइड से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये फॉल साइड है, हमें फॉल साइड की तरफ से निशान लगाना है। सबसे पहले हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच की हम प्लेट डालेंगे तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। फ्रंट और बैक दोनों में ही हमें ये प्लेटें डालनी है, तो मैंने दोनों को एक संग रख के ये निशान लगा दिया है। अब यहाँ से निशान लगाने के बाद यहाँ से हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा 7 इंच का है तो हम यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्महोल का निशान हम 8 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि नाइटी हमारी थोड़ी लूज होती है तो इसलिए हमने ये 8 इंच पे निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा देंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। इसी निशान से चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट के निशान के लिए आपकी जितनी भी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड कर दें और फिर 1 इंच प्लस कर दें, फिर निशान लगा दें। फिर इसी निशान को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। देखिए इसमें कमर का निशान या हिप का निशान नहीं लगाना होता है, इसी निशान को हम थोड़ा बढ़ा देंगे। फिर 1.5 इंच का इसमें मार्जिन डाल देंगे। अब ये निशान लगाने के बाद अब मैं आपको लंबाई बताती हूँ। लंबाई इसकी 53 इंच की है। देखिए यहाँ पे मैंने ये 53 इंच पे निशान लगाया है और 2 इंच का हम मार्जिन का निशान लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पर 55 इंच पर निशान लगा दिया है। इन निशान को लगा के अब मैंने यहाँ पर भी स्केल से लाइन बना दूँगी। ये फुट्टे से मैंने निशान बना दिया है। अब देखिए अब हम इस निशान से मिलाते हुए इंच टेप को रखते हुए लाइन बनाएंगे। देखिए ऐसे हमें तिरछी लाइन बनानी है, सीधे नीचे रखते हुए ये लाइन बना दी है। लाइन बनाने के बाद नीचे से हम हल्की सी गोलाई देंगे। ये 2 इंच के ऊपर के करीब मैंने ये हल्की सी ऐसे गोलाई दी है बॉटम में। अब हम आर्महोल की गोलाई का निशान लगाएंगे। ये मैंने बैक की गोलाई का निशान लगाया है। अब हम फ्रंट का निशान लगाएंगे। हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए ये फ्रंट की गोलाई का भी निशान लगा लेंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। उसी लाइन से हम गले का निशान लगाएंगे। गले का निशान मैंने ये 2.5 इंच पर लगाया है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच के लिए है। लंबाई हम 7 इंच पर लगाएंगे। ये फ्रंट का निशान है। बैक का निशान हम 5 इंच पर लगाएंगे। तो देखिए ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों का निशान लगा दिया है। अब इनको लाइन बना लेंगे। ये मैंने लाइन बना दी है। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ से साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम ये कटिंग करते हैं, पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। देखिए मैंने ये ऊपर से भी और नीचे तक ये पूरी कटिंग कर दी है। इस कटिंग को करने के बाद अब जो हमने ये लाइन बनाई है इसमें भी हम ऐसे कट लगा देंगे, जिससे ये आगे पीछे दोनों तरफ निशान बन जाए। तो देखिए मैंने कट लगा दिया है। अब हम फ्रंट के आर्महोल की भी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के आर्महोल की भी कटिंग हो गई है। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो हमारा 7 इंच पे निशान है, अब एक निशान हम 2 इंच नीचे लगाएंगे। जो हमारा ये गले का निशान है यहाँ पे 2 इंच, यहाँ तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे। ये निशान मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो हम प्लेट डालेंगे हमें वो सिलाई यहाँ इस निशान तक करनी है। इसी तरह हमें बैक पे भी निशान लगाना है। यहाँ पर भी हम ऐसे 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और फिर इसको स्केल से लाइन बना देंगे। बैक गले हम 5 इंच का रखेंगे, तो मैंने यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगाया है और उसके आगे भी हमें 2 इंच पे आगे निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ तक हम सिलाई देंगे प्लेट के लिए। तो ये हम सीधी सिलाई देंगे। गले की चौड़ाई इसकी भी हम 2.5 इंच की ही रखेंगे। इस तरह निशान बना के हम इसमें गोलाई दे देंगे। तो ये बैक पार्ट की हमने ये गोलाई दे दी। कटिंग हम इसकी बाद में करेंगे, पहले हम सिलाई लगाएंगे प्लेट के लिए। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे।
बाजू की कटिंग के लिए। ये देखिए दोस्तों, हमने नीचे से जो काटा था बॉटम, तो ये नीचे की साइड से फोल्ड ले रखा था। अब हम इस फोल्ड को खोल देंगे। देखिए खोलने के बाद हमारी ये इतनी चौड़ाई आ जाएगी। अब इसको डबल कर देंगे, फिर एक तह और लगा के इसको सीधी कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू का निशान लगाएंगे। बाजू तैयार हम 4 इंच की रखेंगे और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। अब इसमें भी निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से हम 3 इंच नीचे डाउन करते हुए निशान लगाएंगे और फिर बाजू की गोलाई दे देंगे। ये मैंने बाजू की गोलाई दे दी है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। बाजू की मोरी हम 7.5 इंच की रखेंगे। 1 इंच हमें लूज ही रखनी पड़ती है बाजू की कटिंग के लिए। अब यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है। बाजू को खोल के अब यहाँ पे आगे की भी फ्रंट की भी कटिंग कर देंगे। ये बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब हम सिलाई करेंगे। सिलाई के लिए देखिए मैंने जो ये निशान लगाया था, इस पर हम सीधी सिलाई करेंगे। देखिए मैंने यहाँ तक ये निशान लगाया था, अब यहाँ तक सिलाई कर दिया है और इसे पक्का कर दिया है। अब ये सिलाई करने के बाद हम यहाँ पे बीच में एक कट लगाएंगे और यहाँ पे भी नीचे की तरफ भी हम बीच में ऐसे निशान लगा देंगे। अब हम इसको ऐसे खोल देंगे। खोलने के बाद प्लेट को हम ऐसे, देखिए प्लेट को इस तरह खोल के ऐसे इस तरह से रखना है कि हमारे दोनों तरफ ऐसे कट ये मिलते हुए आने चाहिए। अब देखिए इसको प्लेट को ऐसे फैलाते हुए हमें ऐसे रखना है। फिर इसमें हम प्रेस लगा लेंगे। देखिए मैंने ये प्रेस लगा ली जिससे हमारी ये प्लेट अच्छे से बैठ गई है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम ये सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी प्लेट हिले नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसे कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसे बाद में हम उधेड़ देंगे। देखिए मैंने ये यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब इसको ऐसे बीच में से उठा के फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए मैंने ये 2.5 इंच पे निशान लगाया था, तो इसे और गहरा करते हुए दिखाती हूँ। और नीचे की तरफ हमने ये 7 इंच पे निशान लगाया था, तो मैंने ये बक्सा बना दिया है। अब हम गले की शेप देंगे। शेप देने के लिए मैं इसे 2 इंच पे ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगी। देखिए इन निशान को लगाते हुए अब हम ऐसे तिरछे करते हुए ऐसे लाइन बनाएंगे। तो देखिए मैंने ये निशान बना दिया है। जिस तरह से ये निशान बनाया है, अब इसकी कटिंग कर देंगे। मैंने ये इस तरह से गले की शेप दी है, आप चाहे तो कोई भी गले की शेप दे सकते हैं। अब देखिए मैं इसे खोल के दिखाती हूँ, तो इस तरह से ये गले की कटिंग हुई है। अब हम एक कपड़ा लेंगे। इस कपड़े को इसके नीचे रखते हुए, देखिए हमें ये कपड़े को नीचे सीधी तरफ रखना है और सीधी तरफ रख के यहाँ पे और फिर गले को ऐसे रख लेंगे और रख के हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से ध्यान से रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। जैसे जैसे शेप आ रही है इसी तरह हमें ये गले की सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसे हम सीधा कर देंगे, सीधी तरफ से कर लेंगे। और देखिए अब जो भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हम 1.5 इंच छोड़ते हुए इस कपड़े की कटिंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों मैंने ये कटिंग कर दी है। अब जो ये कोने आ रहे हैं यहाँ पर हम छोटे से कट लगाएंगे। देखिए इन तीनों कोनों में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये कट लगा दिए, अब हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद ऐसे बिल्कुल अच्छे से हमें पलटना है। पलटने के बाद हम इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे पे हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। दोस्तों मैंने अपना एक नया चैनल कुकिंग का भी खोला है, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। प्लीज़ आप एक बार उसे भी देखें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अब हम इसको उल्टी साइड से करेंगे। उल्टी साइड करने के बाद इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसमें हम सिलाई लगा देंगे। ये फोल्ड करते हुए हमें ये पूरे गले में सिलाई लगा लेनी है। इसमें मैंने ये सिलाई लगा ली है, अब हम इसे सीधा कर देंगे। देखिए दोस्तों सीधा करने के बाद ये इस तरह से आगे की तरफ प्लेट आएगी, नीचे की तरफ, देखिए 2 इंच नीचे। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। ये मैंने इस तरह की चौड़ी लेस ली है,
इसको हमें इस तरह रखते हुए हमें गले में लगाना है। ये रख के हम किनारे पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे। फिर इधर की तरफ देखें, यहाँ कोने में आने के बाद जो हमारे नीचे का ये कोना आ रहा है बिल्कुल इसे कोने में आ जाएंगे और यहाँ पे सुई नीचे की तरफ रखते हुए इसे हल्का सा घुमा लेंगे। घुमाने के बाद फिर यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे। प्लेट हम थोड़ी चौड़ी सी डालेंगे जिससे कि हमारा ये लेस मुड़ जाए। देखिए ये आराम से लेस मुड़ गई है। अब यहाँ पे भी नीचे की तरफ आके बिल्कुल हमें यहाँ कोने में आ जाएंगे और फिर यहाँ पे भी सुई अंदर की तरफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा घुमा देंगे। अब घुमाने के बाद इसे भी यहाँ पे भी अब एक चौड़ी सी प्लेट डालेंगे। प्लेट हमें इस तरह से डालनी है कि ये हमारे आसानी से गले की शेप के अनुसार मुड़ जाए। देखिए इस तरह हमने ये प्लेट डाली है, हमने अंदर की तरफ काफ़ी बड़ी से ऐसे प्लेट डाल दी है जिससे ये हमारी आसानी से ऐसे मुड़ जाए। मोड़ने के बाद फिर ऐसी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे भी आके हम इसी तरह से प्लेट दे देंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ये सिलाई कर लिया, एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर दी। अब लेस की दूसरी तरफ से सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह रख के हमें यहाँ सिलाई करनी है और नीचे यहीं कोने पे आने के बाद जहाँ हमने ये प्लेट डाली थी वहाँ पे हम रोक लेंगे और फिर घुमा के इस प्लेट में सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारी प्लेट दब जाए और वो ज़्यादा उठी हुई दिखे ना। इसी तरह हम आगे बढ़ के नीचे की तरफ भी आ जाएंगे और यहाँ पे जो हमने ये बड़ी सी प्लेट डाली थी इसको हम खोल के थोड़ी चौड़ाई में लगा देंगे। देखिए जिस तरह ये इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद इसको चौड़ाई में करके फिर सिलाई लगा लेंगे और फिर यहाँ पे घुमा लेंगे और ऊपर की तरफ फिर यहाँ पे भी इसी तरह ये सिलाई को लगा लेंगे जिससे कि ये प्लेट दब जाए। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने ये सिलाई लगा ली है, इसी तरह हम इसमें ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा फ्रंट का गला पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है और यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ बिल्कुल ऐसे प्लेट भी आई है और ये गला एकदम रेडी है। अब हमने ये बैक पार्ट लिया है, बैक पार्ट में भी मैंने इसी तरह से प्लेट डाल दी थी। अब हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे बीच में से उठा के। अब देखिए फिर से हम इसका गले का नाप देखें, ये हमारा पूरा 2.5 इंच पे ही आ रहा है। लंबाई मैंने इसकी 5 इंच की ली थी। अब हम इसमें गोलाई में शेप देके इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए मैंने इसकी ये कटिंग कर दी है। इसमें हम उड़ेद पट्टी लगाएंगे, तिरछी पट्टी काट लेंगे। ये देखिए मैंने तिरछी पट्टी काट ली थी, इसको हम इसमें लगाएंगे। लगाने के बाद हमें एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरे में सिल लेना है। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको ऐसे सिल लिया है। सिलने के बाद अब हम इसको ऐसे उल्टी तरफ से कर लेंगे, फिर इसमें कट के निशान लगाएंगे छोटे छोटे। या हमें इस तरह से ये छोटे छोटे कट के निशान लगा लेंगे। अब लगाने के बाद अब हम इसको इसी तरह फोल्ड करेंगे पट्टी को और इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें पट्टी में लगानी है, मार्जिन को ऊपर रखते हुए ये पट्टी में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बैक गला भी मैंने इसी तरह से तैयार करा है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी कटिंग कर देंगे। ये मैंने इसकी भी कटिंग कर दी है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। सीधा हमने इसको बैक पार्ट को सीधा रखते हुए और फ्रंट पार्ट को उल्टा रखते हुए ऐसे तीरे को लगाएंगे। तीरे को लगाने के बाद हमें जो पट्टी है उसे बाहर की तरफ रखनी है, जो बैक गले में पट्टी लगाई थी, और फिर तीरे में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने ये तीरे में सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इसे खोल देंगे। अब देखिए दोस्तों मैंने इसको ऐसे खोल दिया है। अब जो हमने ये पट्टी लगाई थी इसे मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद इसमें सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने पक्का कर दिया है, पक्का करके मैं सिलाई लगा दूंगी। अब मैंने इसमें ये सिलाई लगा ली है तो हमारे ये फ्रंट और बैक दोनों ही गले बनके तैयार हो गए हैं। अब हम बाजू तैयार करेंगे। बाजू तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे मोड़ी को फोल्ड करके सिलेंगे। तो देखिए मैंने ये डबल में फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद मैंने दोनों ही बाजू को सिल दिया है। तो ये सिलने के बाद अब हम इसे मैक्सी में लगाएंगे।
बीच का कट को ऐसे बीच में मिलाते हुए इसको ऐसे मिलाते हुए ले जाएंगे और ले जाने के बाद फिर इसमें ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये दोनों बाजुएं लगा दी हैं। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई करेंगे। फिटिंग की सिलाई के लिए मैंने नाइटी को उल्टा करके रख दिया है। अब देखिए, जो ये निशान लगाए थे इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले हम बाजू की मोहरी पे निशान लगाएंगे। बाजू की मोहरी पे मैं 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये मैंने 7.5 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया है। इनको मिलाते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे को मार्जिन कम करते चले जाएंगे और नीचे तक पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। यहाँ से भी लगा ली है और यहाँ से भी लगा ली है। अब मैं नाइटी को सीधा कर देती हूँ। ये मैंने इसको सीधा कर दिया है। इसमें अब हम बॉटम की सिलाई लगाएंगे। तो नीचे का जो हमने ये बॉटम है इसको देखिए इस तरह फोल्ड करके डबल में इसमें भी हम सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हमारी ये पूरी नाइटी तैयार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैंने ये नीचे भी सिलाई लगा ली है। अब ये हमारी पूरी नाइटी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितना सुंदर इसका गला भी बनके तैयार हुआ है और इसका बैक साइड भी देखिए, ये इस तरह से ये बैक साइड तैयार हुआ है और यहाँ पे ये प्लेट ऐसे आई है। तो ये पूरी तरह से हमारा नाइटी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट में बताएँ, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।